हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि गुलाब की कटिंग हम कैसे लगा सकते हैं जिससे हमारे ढेर सारे फूल हमारी कटिंग में देखने को मिल जाएं और हम अपना गुलाब का पौधा घर पर ही तैयार कर सकें, हमें कहीं से लाने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी वीडियो में पूरा देखना, मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि अपनी कटिंग में आप ढेर सारे फूल कैसे ला सकते हैं और आपको मिट्टी कैसी लेनी है कि आपका पौधा सूखे ना और आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाए, आपको पानी कितने दिन में देना होता है इस कटिंग में, और भी कुछ बहुत कुछ बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक पहुंचती रहे। हम ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस लाते रहते हैं प्लांट्स के ऊपर। आप देख ही रहे हैं हमारे कितने अच्छे कटिंग ग्रो कर गई है, सारी कटिंग में हमारी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गए हैं, ब्रांचेस के साथ साथ हमारे बड्स भी निकलना स्टार्ट हो गए हैं जो कि कुछ ही दिन में फ्लावरिंग करना भी स्टार्ट हो जाएंगे। ये गुलाब की कटिंग हमारी, देखिए बहुत सारी कटिंग हमने लगाई है, काफ़ी सारी कटिंग में हमारी ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई है। आप देख सकते हैं कुछ कटिंग हमारी सूख भी गई है, उसका रीज़न भी बताऊँगा मैं कि ये हमारी कटिंग सूख क्यों गई है। आइए गाइस, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं कि आपकी कटिंग का साइज़ क्या होना चाहिए और आपकी कटिंग कैसी होनी चाहिए जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाए। तो आपकी कटिंग ऐसी 5 से 6 इंच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ी कटिंग ना हो। और आपको ध्यान देना है कि आपकी कटिंग तिरछा कटी होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हैं तिरछा कटी हुई है हमारी कटिंग, ऐसे ही आप कटिंग काट सकते हैं। और आपको ध्यान देना है कि आपकी कटिंग ज़्यादा पुरानी ना हो, इससे आपके पुरानी डंडी में आपकी ब्रांचेस आने में टाइम लग जाता है, इससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट अच्छे से और जल्दी ग्रो कर जाए तो आपको एकदम मीडियम साइज़ की ब्रांच लेनी है जिससे आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको कटिंग रखनी कहाँ होती है लगाने के बाद। तो आप ये कटिंग आउटडोर में रखना होता है जिससे आपको सनलाइट मिलती रहे आपके प्लांट को अच्छे से। तो अगर आपका प्लांट अच्छे से सनलाइट मिलती रहेगी तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारी सारी कटिंग आउटडोर में लगी हुई है, जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा प्लांट ग्रो कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस प्लांट में हमारी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कि अगर हम जब कटिंग लगाते हैं तो हमारी मिट्टी कैसी हो। तो आपको इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गार्डन सॉइल लेनी है और आपको कुछ नहीं लेना है, इसमें आपको कोई भी खाद मिक्स नहीं करनी है। खाद मिक्स करने से ये होता है कि आपका कटिंग सूखने का चांस बहुत होता है, इसलिए आपको कटिंग लगाते टाइम ध्यान देना है कि आपको कोई भी खाद नहीं लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इसमें पानी कितना देना होता है। तो आप इसमें हफ्ते में 2 से 3 बार पानी दे सकते हैं कटिंग में, और आपको ध्यान देना है कि आपकी कटिंग में ज़्यादा पानी ना डालें, अदरवाइज़ आपका प्लांट पानी की वजह से ही सूख जाएगा, हमारी कटिंग गल जाएगी तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, इस बात का आपको बहुत ही ध्यान रखना है। और अब हम बात कर लेते हैं कि आपको ये कटिंग किस महीने में लगानी होती है। तो आप ये कटिंग कोई भी महीने में लगा सकते हैं, दिसंबर से लेके मार्च तक में आप कभी भी लगाइए, आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो कर जाएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ये कटिंग कुछ 1 महीने पहले लगाई थी हमने, और अभी आप इसका रिज़ल्ट देख ही रहे हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है हमारी कटिंग का। और हम ऐसे ही ढेर सारे प्लांट्स तैयार करते हैं गुलाब के। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।